अगर ये रोजाना रात को यहाँ से जैसे वर्कआउट कर ली ना, वर्कआउट करने के बाद जाके रात में सोएगा तो सुबह उठेगा वो मेरे ढोले बन गए, एंज नहीं बनने, खाने से बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स उस्मान सईद। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली फॉर स्किनी पीपल्स है। स्किनी एग्जांपल देख ले भाई, साडे दा किड्डा वड्डा पहलवान खिला रिया सी, फ्यूचर पहलवान, टेंशन नहीं लेनी कौन सा पहलवान है, ये फ्यूचर पहलवान है। तो अगर आप भी इसी तरह के स्किनी हैं तो ये जो वीडियो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है कि आपने किस तरह से बॉडी बनानी है, आपको कितना टाइम लगने वाला है, क्या सारा कुछ है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, वीडियो देखने के बाद फिर भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर इंस्टाग्राम मान स्टार फॉलो भी करना है तो नाल मैसेज भी करना है, और सप्लीमेंट खरीदना हो तो मान न्यूट्रिशन व्हाट्सएप नंबर इतने दिया है। आज फिर हम वीडियो स्टार्ट करिए, इससे पहले तुम भावे अगे ना जुड़ जाना चले भी। अब सबसे पहले जो आपने देखना है स्किनी है तो जाहिर सी बात है आप अंडर वेट होगी भी, आपको इतना तो ज्यादा है, देखे अब ये 61 है और हाइट मेरी जितनी है, आप मेरी जितनी है 5-6 लगा रहे हैं, इसकी भी हाइट मेरी जितनी है 61 वेट है। अभी अगर 70 तक भी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इसकी बॉडी पे एक अच्छा मसल मास आ सकता है। अब ये 70 तक कैसे जाएगा, अगर ये रोजाना रात को यहाँ से जैसे वर्कआउट कर ली ना, वर्कआउट करने के बाद जाके रात में सोएगा तो सुबह उठेगा वो मेरे ढोले बन गए, एंज नहीं बनने, खाने से बनेंगे, तरीके से बनेंगे, सबर करके बनेंगे। मेरा आप पासा निकल जाते थे गला लाते लाते। और अब करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपने जो है ना अपने गोल्स बना लेने, आप यहाँ आए तो आपको कोई पर्पस है किस लिए आए हो, क्या करोगे यहाँ पे, गेन करना है, बस गेन करना है, मसल गेन, मसल गेन में वेट गेन में फर्क पता है क्या होता है, बहुत फर्क होता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा देखे ना, जब वेट गेन करने का मकसद है कि भाई बस मुझे मोटा कर दो किसी तरह बस मेरा हो जाए, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि मुझे मास गेन करना है, मास गेन करते हुए क्या होता है कि आपकी शेप नहीं बिगड़ती, वजन भी बढ़ता है, फैट आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती फैट, लाइक इस टाइम मैं जैसे मैं गेन कर रहा हूँ थोड़ा बहुत फैटी हूं मैं, थोड़ा सा टेट भी मेरा निकल रहे हाँ नॉर्मल से निकल रहा, तो कोई ऐसा मसला नहीं। अब आपको करना क्या होगा, तो मेन सबसे पहले आपने अपना गोल सेट कर लिया कि मुझे गेन करना है, उसके बाद आपने अपने खाने में कोई चेंज लाए हो या उसी तरह ही चलते हो, थोड़ा चेंज किया, क्या चेंज किया कुछ बताएं, फ्रूट्स का एवरेज इस्तेमाल कर रहा हूं, अच्छा ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूं, ऊंचा बोलो उन्होंने सुनाई नहीं देना, ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूं, शकरकंदी वगैरह आजकल सर्दियां मछली खा रहे हैं, ठीक हो गई। अब ये देखें, ये भाई बिल्कुल बिगनर था, जब ये यहाँ आया था तो सिर्फ 3 टाइम की रोटी खाता था, अगर आप बिगनर हैं जिम आते हैं वजन बढ़ाना है तो 3 टाइम की रोटी नहीं खाई थी, उसके साथ कुछ ना कुछ एडिशनल ऐड करना पड़ता है। सबसे पहले आपने क्या करना, जैसे सर्दियां आने वाली है, विंटर है, गेन करने का टाइम है, स्वीट पोटैटो सबसे बेस्ट है, वो ऐड कर लें, केले सस्ते ने केले भी अपने चाय डाइट में ले लो। और फुल डे में क्या होगा, सुबह एक मिसाल है नाश्ते में 2 ही रोटियां खाते हो वही गिनर, उससे पहले दही खा लेते बाद में 2 रोटियां खाते हैं। अब ये कोई 2 महीने से ही रूटीन इसी तरह चला रहे हो, अब ये 2 महीने से चल रहे हैं, जब ये पहले तो कुछ नहीं था, नाश्ता नुश्ता किया थे काम से टूर गए या पढ़ने चले गए जो भी, अब क्या लाए चेंज, ये दही भी खाते हैं, जहाँ 1 रोटी थी अब वहां से 2 कर दी है, दोपहर के खाने में गोश्त कुछ खा रहे हो नहीं खाते, या जिस दिन पहले आपने गोश्त शाम के टाइम में गोश्त भी खाते हैं, दलिया देखे ना, दलिया एक एडिशन कर दिया, रोटी तो सारी खाते हैं साथ में कार्बोहाइड्रेट सोर्स के लिए दलिया भी लेते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को कैलोरी सरप्लस में लेके जाना, नंबर 1। नंबर 2 आपने करना है वर्कआउट का एक प्लान बनाना है कि मैंने डेली वर्कआउट करने के लिए जाना है। वैसे ये बहुत बड़ा है भजन वाला पड़ा है, आता ही हफ्ते में 3-4 दिन ही है जिम में बाकी भागता रहता है, लेकिन फिर भी आप कंसिस्टेंसी के साथ जो है जिम आए। और तीसरी चीज, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है ना उनको कोई जिन ना बना के रखें, ले भाई आज मैं जाना है तो कल बिल्डर बनना नहीं होता, जिम जाए 1 दिन के लिए जाए, 2 दिन के लिए जाए, 10 दिन के लिए जाए, ये सोचे मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करूंगा, ऐसे ही ये नहीं कभी भी सोचना कि मैं आज जिम गया तो कल ही ग्रो करूंगा, ऐसा नहीं होता, इंसान स्लो स्लो ग्रो करता है, यानी आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन लो हो और वर्कआउट डाइट आपकी ज्यादा होनी चाहिए, ये चीजें होगी। दूसरा और कुछ आपने अगर कुछ बता रहा हो अपने कि आपने अभी तक क्या किया है, कुछ आपकी इंप्रूवमेंट जो अभी तक समान भाई शिगिर्दी में ही है फिलहाल तो। अच्छा मेरे तो 5 साल 2 महीने में अभी तक इधर पहुंचो इंशाल्लाह अगले 1 साल तक, ये देखे ना 2 महीने में ये देखे ये चेस्ट ग्रो हो गई है, महाराज या मोटा छोटा छोटा ये बन सकता है, आपको इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। आपने क्या करना है, कंटिन्यू जिम जाना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, वर्कआउट करना है, रेस्ट करना है, तो इंशाल्लाह आप भी ग्रो करेंगे। स्किनी है टेंशन ना लो, सबर करो, ऐसे ही
बाकी वर्कआउट की, डाइट की, बिगनर्स के लिए सारी वीडियोस अपलोड है, प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पे आपको जाके मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। बाकी फिर मिलते हैं, तब तक न्यू वीडियो में जरा बाइसेप्स का पोज करके दिखाएं ऐसे करके। ये देखें ये भाई को है, ये चीज है डोलियां वैसे है सोनिया ने। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।